नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 278 के बारे में, यानी कि 278। और जिस पॉइंट की दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, पॉइंट है हमारा यूरिन बेटर मेरिडियन का 7 नंबर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये ईयर हो गया। ठीक है, ईयर ये हमारी आईज होगी। ठीक है, ये हमारी नोज और ये हमारा दोस्तों माउथ एरिया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा फेस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आज का जो पॉइंट है हमारा UB7, ये हमारा कहाँ पड़ेगा, तो ये सीधा सीधा क्या करेंगे हम, इसका समझने का बहुत अच्छा तरीका, ईयर के सेंटर से जाएंगे और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट पड़ेगा UB7, यानी कि जो हमारा UB6 था उससे ये 1.5 कुल की दूरी पर पड़ेगा, 1.5 कुल। ठीक है, UB6 से, तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट हो गया UB7। ठीक है, अब ये तो हो गए दोस्तों हमारी पॉइंट की लोकेशन, हमारी बॉडी के राइट और लेफ्ट दोनों साइड सेम पड़ेगा, ये सेंटर में नहीं आएगा, ईयर से यहाँ साइडों में आएंगे। ठीक है, ये हमारा दोस्तों पॉइंट हो गया 7 UB7। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे, क्या क्या रोग या क्या क्या समस्याएं इससे ठीक होते हैं, ये जान लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 दोस्तों, अगर किसी को नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नोज प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चक्कर आना, अगर किसी को चक्कर आते हैं तो उन प्रॉब्लम में दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा, चक्कर आना यानी वर्टिगो। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी को ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी बेनिफिट देगा। ठीक है, ईयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 3 हो गए बेनिफिट्स, नोज प्रॉब्लम्स, नाक से संबंधित समस्याएं जैसे पॉलिप वगैरह हो जाए नोज में, नोज क्लोज हो जाए जैसे ब्लॉक हो जाए, नोज से पानी वगैरह आना, तो दोस्तों इन चीजों में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो इसमें आपकी नोज प्रॉब्लम आ गई, अब आ गया चक्कर आना या वर्टिगो। अगर किसी को चक्कर आता है दोस्तों, किसी भी रीजन से चक्कर आता है, तो उसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा, चक्कर आने के लिए आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। फिर ये तीसरा आपका पॉइंट है ईयर्स प्रॉब्लम, अगर कान से संबंधित किसी को समस्या है, कान में दर्द है, कान से किसी को पस वगैरह आ रही है या कान में आवाजें वगैरह आ रही है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। कौन सा पॉइंट हमारा UB7। तो दोस्तों इन समस्याओं के लिए आप UB7 पॉइंट को चूज कर सकते हैं, उससे आप ट्रीटमेंट करेंगे। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा ईयर है तो इससे ऐसे हाथ रखेंगे और यूं इस तरह से जाएंगे, तो लगभग इधर लगभग यहाँ पे हमारा पॉइंट पड़ेगा UB7। बाकी आप मेजर अपने हिसाब से भी करिए, सिंपल वे बता रहा हूं मैं, ये इस तरफ ऐसे पड़ेगा। ठीक है, और बाकी 1.5 कुल आप देखिए, जैसे मैंने बताया, बाकी ईयर की सीध से चलोगे तो पता लग जाएगा, ये आंखों की सीध से आइए और इधर से भी जाइए तो यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट UB7। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है। ठीक है, अभी आप हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी पूरे दिन जब आप करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपको जो रिलीफ मिलने लगेगा, तो आप इस ट्रीटमेंट को धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, टाइम इसका बढ़ाएंगे, आप इसको ट्रीटमेंट को करते रहेंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलते चले जाएंगे, तो इससे आपका थेरेपी के प्रति विश्वास बनेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप ट्रीटमेंट वगैरह करते रहिए, मैग्नेट वगैरह लगाना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हेयर्स वगैरह है, बाकी आप ये ट्रीटमेंट ही कीजिए, दिन में प्रेशर वगैरह कीजिए पॉइंट, और जैसे जब तक सोते हैं मान लो 9-10 बजे तक, तब तक आप इन पॉइंट्स को प्रेस कीजिए तो आपको बेटर रिलीफ मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से सीखते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियोस को, फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।